अब रसूल की इताअत करो और उली अमर की इताअत करो, नहीं रसूल की इताअत करो और उली अमर की। वहां लफ्ज़े इताअत उली अमर के लिए नहीं है, मगर जैसे रसूल के लिए लफ्ज़े इताअत है और कह के बता दिया इताअत जैसे रसूल की करनी है वैसे ही इनकी करनी है। ये समझाने में मुझे एक मिनट लगा है। अतीउ रसूल के बाद दोबारा अतीउ उलिल अम्र के लिए ये वर्ड इसलिए लिया कि जैसे रसूल की इताअत करना है वैसे ही उलिल अम्र की करना है, इसलिए दोबारा अतीउ नहीं कहते सिर्फ वाव रखा। ये वाव क्या है? एंड की तरह है, जैसे अंग्रेजी में एंड है वैसे ही है वाव अरबी का। यहाँ इताअत करो रसूल की और उलिल अम्र की, तो कैसे इताअत करे? जैसे रसूल की इताअत है। अरे भाई रसूल की कैसे इताअत वाजिब है? हर हाल में इताअत करना है, तो उलिल अम्र की भी हर हाल में इताअत करना है। रसूल की इताअत करना जैसे रसूल की इताअत वैसे उलिल अम्र की, यानी रसूल को मासूम समझते हो तो अब जैसे रसूल की इताअत वैसे इनकी इताअत का मतलब हुआ ये भी मासूम है। साफ सी बात है, माँ बाप की इताअत का हुक्म है, माँ बाप की इताअत का हुक्म है, माँ बाप की भी इताअत करनी है, लेकिन माँ बाप की इताअत वैसे नहीं करनी है जैसे रसूल की है। क्यों? माँ बाप मासूम नहीं है, लेकिन उली लबर के लिए अल्लाह फरमा रहा है इनकी वैसी इताअत करना है जैसे रसूल अल्लाह की। सूरह निसा की जो 69 हुई आयत है ये, जिसमें अल्लाह इरशाद फरमा रहा है इताअत करो रसूल की और उली लबर की का साफ मतलब ये हुआ उली लबर की वैसे इताअत करनी है जैसे रसूल की, यानी रसूल मासूम है तो ये भी मासूम है। ये रसूल जैसी इताअत तभी की जा सकती है, तवज्जो, रसूल जैसी इताअत, जैसे रसूल की इताअत वैसे उली लबर की इताअत, इसका मतलब ये जैसे रसूल वैसे उली लबर। अगर फर्क हो गया तो जैसे उनकी इताअत वैसे इनकी इताअत नहीं होगी। तो बात समझ में आ रही है कि बात मनसब की है, वो रसूल है रिसालत का मनसब है, ये उली लम्र है इमामत का मनसब है, वलायत का मनसब है। तो जब वलायत के मनसब पर हो इमामत के मनसब पर हो, तो चूंकि इमामत और वलायत, वलायत तो खुसूसन सिफत रसूल भी है, सिफतुल्लाह भी है, अल्लाह की सिफत भी विलायत है, रसूल की सिफत भी विलायत है, इन्हीं साहिबाने विलायत मुतलका को, इन्हीं साहिबाने विलायत मुतलका को कहीं सादखीन कहा, कहीं सादखीन फरमाया, कहीं इनको उली लम्र फरमाया, और कभी आयत तथहीर व जमा कर दिया, तथहीरा फरमाया, तो ये उली लम्र है। तो इन उली लम्र की वैसे ही तार जैसे रसूल की तार, तो साफ बात ये जैसे रसूल वैसे उली लम्र। बस फर्क क्या है? फर्क ये कि वो रसूल है, ये साहिबान अम्र है, मासूम वो भी मासूम, ये भी वो भी साहिब इल्म लदुन्नी, ये भी साहिब इल्म लदुन्नी। रसूल किसी से पढ़े नहीं, वो भी किसी से पढ़ेंगे नहीं, रसूल को किसी ने पढ़ाया नहीं, इन्हें भी कोई पढ़ाएगा नहीं। रसूल की रिसालत आसमानों से है, तो रसूल को बंदों ने नहीं चुना, उली लम्र को भी बंदे नहीं चुनेंगे। नबूवत के लिए इलेक्शन नहीं हुआ, तो रसूल के बाद जिनकी इताअत रसूल की तरह है उनके लिए भी इलेक्शन नहीं होगा। चुनाव नबूवत का नहीं हुआ है, चुनाव साहिबाने अम्र का भी नहीं होगा। ये खिलाफत खिलाफत रसूलुल्लाह है, ये खिलाफत खिलाफत रसूलुल्लाह है। इसलिए अजीजाने गिरामी, अगर मुसलमानों का खलीफा हो मुसलमान चुनेंगे, रसूल का खलीफा हो रसूल बनाएंगे। ज्यादा परेशानी की बात तो नहीं हो गई? जिसे मुसलमान चुनेगा वो मुसलमानों का खलीफा होगा, जिसे रसूल बनाएंगे रसूल का खलीफा होगा। हम खलीफतुल मुस्लिमीन की बात नहीं कर रहे, यहाँ खलीफतुल रसूल की बात कर रहे हैं कि रसूल का खलीफा कौन है। सलावत पढ़ो मोहम्मद वाले। तो जैसे रसूल की इताअत वैसे इनकी, तो रसूल के लिए तो चुनाव हुआ नहीं, नबूवत के लिए चुनाव हुआ नहीं, नबूवत के लिए इलेक्शन हुआ नहीं कि लोगों ने मिलकर किसी को नबी बनाया। अगर ऐसा बनाया होता तो अरब के जितने कबीले होते उतने कबीलों के नबी अलग अलग होते, क्योंकि ओपिनियन अलग अलग होती है। घड़ी में तोला घड़ी में माशा वाली बात, अभी मूड रहा अभी बिगड़ गया, अभी किसी को नबी बनाया अभी किसी को डिसॉल्व कर दिया, जो बनाता है उसे डिसॉल्व करने का भी हमने होता है।
तो ये नबुवत जो है वो अल्लाह की तरफ से, तो अब नबी की इताअत जैसी है वैसे ही उनकी इताअत है जो साहिबान ने अमर उल अमर, तो इसका मतलब ये हुआ तो जब नबी को किसी ने नहीं बनाया तो साहिबान ने अमर भी कोई नहीं बनाएगा, वही बनाएगा जिसने नबी को नबी बनाया। अब अगर कोई बना दे तो जो बना दे वो उसका बनाया हुआ है, अल्लाह का बनाया हुआ नहीं है, तो जो अल्लाह का बनाया हुआ वो दीन है, जो बंदे का बनाया हुआ है वो दीन नहीं है, जो बंदे का बनाया हुआ है वो दीन नहीं है। बंदे के बनाए हुए को अगर दीन माना जाए तो वो कहलाएगी बिदअत। जो बंदे बनाएंगे दीन के नाम पर वो बिदअत है, जो बंदे बनाए दीन के नाम पर वो बिदअत है। पूछा गया बिदअत किसे कहते हैं, मुत्तफका तौर पर उलमा इस्लाम ने कहा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना किया वो बिदअत, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया वो बिदअत, हुजूर के बाद जो इजाद हो वो बिदअत। हमने कहा जो इजाद है तो बताओ रसूल के बाद सबसे पहले इजाद हुआ क्या, भाई सबसे पहले बना क्या, तो जिसे लोगों ने सबसे पहले बनाया उसका नाम लेके तो बताओ भाई। हम जिसको नहीं मानते उस पर हमें कुफर का फतवा है, और तारीफ आप जिसकी कर रहे हो तो पहली बिदअत है। तो बिदअत को न मानना कुफर नहीं है, सुन्नत को न मानना कुफर है। और सुन्नत क्या है, सुन्नत ये है कि अली की मथा करो, सुन्नत ये है हसनैन की तारीफ करो, सुन्नत ये है कि अली के फजाइल पढ़ो, नबी ने अली के फजाइल पढ़े तुम भी पढ़ो, दाढ़ी रखना सुन्नत है, मिसवाक करना सुन्नत है, अरे नबी की खाने पीने की सुन्नत याद है, नबी की बोलचाल की सुन्नत भी तो है। रसूल ने कहा कि सैयदना मजाले सुकुम बिज़िक्र अली, जब कभी बैठो जब कोई महफिल करो चार आदमी जमा हो जाए अली का जिक्र करो, लिखते सब है पढ़ते हम है, तो अब जैसे रसूलुल्लाह की इताअत वैसे उलिल अमर की इताअत, यानी रसूल की इताअत जैसी इताअत नहीं, फैसला कर दिया क्या अब नबी के बाद जिसकी इताअत को नबी की इताअत की तरह वाजिब किया जा रहा है उसे हम शान नबी होना जरूरी है, रसूलल्लाह की सिफात में होना जरूरी है, उसमें वही सिफत है जो रसूल में सिफत है, उसका वही फेल है जो रसूल का फेल है, उसकी जबान ऐसी हो जैसे रसूलल्लाह की जबान है, उसकी जबान ही ऐसे हो जैसे रसूलल्लाह की जबान है, और उसके अमाल वैसे हो जैसे रसूल का अमल है। तो अब यहाँ दो बातें शरीक हो गई, अमल वैसा हो जैसे रसूल का अमल, जिसका अमल रसूल का अमल बन जाए वो है बाबे रसूल जानशीन पैगंबर। अब है कोई तो ले आइए, किसके अमल को रसूल का अमल कहा जाएगा, कुरान की जुबान से बताइए भाई, बंदे का अमल आम बंदों का, साहबा का अमल साहबा का अमल है, रसूल का अमल रसूल का अमल है, मगर साहबी के अमल को रसूल का अमल नहीं कहा जाएगा क्योंकि वो इताअत में है, जो इताअत में है वो मुशाबे अमल है मगर अमल नहीं है। जैसे रसूल का अमल का मतलब ये हुआ रसूल कुछ ऐसा अमल फरमाए कि जो रसूल करना चाहते हो मगर रसूल की जगह कोई और वो अमल करे और वो अमल अमले रसूल बन जाए। जैसे सरकारे दो आलम का काम था, सरकारे दो आलम का हुक्म था कि सरकारे दो आलम कुरान मजीद जो है मुशरिकीन तक पहुंचाए, मगर सरकारे दो आलम ने फरमाया ला युअद्दी इल्ला अना व अली इब्ने अबी तालिब, इस अमल को या तो मैं करूंगा या अली करेंगे, या मैं करूंगा या अली करेंगे। एक साहब लेकर के चले हुजरतुल वदा के मौके पर मैं पहुंचाऊं, वो पहुंचे, जब रसूलल्लाह को इत्तला पहुंची के कोई और ले जा रहा है तो सरकार ने फरमाया अली को बुलाओ, अली आए, कहा कि अली जाओ वो जो सूरे बरात पहुंचा रहे हैं उनसे तुम लेकर के पहुंचाओ, उनसे तुम लेकर के पहुंचाओ। रसूलुल्लाह ने कुरान मजीद की सूरे बरात को वापस लिया, काली तुम लेकर के पहुंचाओ, क्यों या रसूलुल्लाह क्यों या रसूलुल्लाह, अपनी फजीलत नबी की जबान से सुनने के लिए पूछ रहे,
क्यों या रसूल अल्लाह कोई और ले जा रहा अल्लाह का कलाम है, कोई भी ले जाए कोई भी पहुंचाए, इतना नहीं अल्लाह का मुझे हुक्म है इस बात को या मैं पहुंचाऊं या मेरी जगह तुम। अब अमल रसूल अमल किसका बना, अली का अमल बना, तो ले जाने वाले कोई और साहब थे ले गए मगर रास्ते से ले लिया गया। अमर जिनसे एक सूरा उम्मत को ना पहुंचाया गया वो पूरा कुरान क्या पहुंचाएंगे, सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और कलिया लाई होती ये अमल किसका है, रसूल का अमल था, बना किसका, अली का अमल। तो जिसका अमल अमल रसूल बन जाए, जिसका कौल कौले रसूल हो जाए, जिसकी फिक्र फिक्रे रसूल हो जाए, जिसकी शऊर को शऊर रसूल कहा जाए, जिसकी दानिश को दीनिश को दानिश और दीनिश रसूल कहा जाए, इसे कहते हैं ओलिल अमर। और उस ओलिल अमर की पहली फर्द फरीद का नाम है रईसुल आरिफीन, अमीरुल मोमिनीन, यासुबुद्दीन, मजहब ईमान, कलमत तक्वा, क्या क्या लकब है, मजहरुल अजायब, मुजहरुल गनायब, असदुल्लाहिल गालिब, वालिद आला, कुल्ले वाले वाले इब्ने अबी तालिब। इनके अमल को अल्लाह आगे आगे अमल का आगे लगाए, इनकी जबान को रसूलुल्लाह ने फरमाया इन्नल हक लयंतक अला लिसान अली इब्ने अबी तालिब, हक अली की जबान पर जारी होता है, ये जब बोलेगा यकीन की मंजिल में बोलेगा, ये वो बोलेगा जो मैंने बोला, या मेरे बोले हुई की तशरीह करेगा। इसलिए फरमाया कुरान मजीद तंजील पर है, जब कुरान की तंजील और तावील है, सही निसाई सियाह सित्ता की आखिरी किताब, उलमा इस्लाम में अल्लामा निसाई ने अपनी किताब में बाबे फजाइल मुर्तजवी में मनाकिब मुर्तजवी एक अलग से किताब छपी है, अल्लामा निसाई ने मौला के फजाइल में एक अलग से किताब छापी सियासत्ता की, उसका नाम है मनाकिब मुर्तजवी। उसमें वो लिखते हैं कि सरकार ने फरमाया या अली तंजील कुरान पे मैं जंग करूंगा, तावील कुरान पे तुम जंग करना, या अली अंता कातिल ना किसी ना वल कासिदी ना वल मारकी, अय अली तुम कत्ल करोगे तुम जंग लड़ोगे किससे, ना किसी से, पैर तोड़ने वालों से, कासिदीन से पैर जाने वालों से, मारे पीन से दिन से निकल जाने वालों से, तीन से जंग दी, पता नहीं क्या है मसला, आजा आजा, तीन से जंग दी, कहीं तीन के मुकाबले में सबर, कहीं तीन के मुकाबले में चंद, मेरे मौला के अंदाज भी अजीब है, कहीं सबर है कहीं जंग है। अब तीन के मुकाबले में तैनी खासियतें ना के सी मारे फिर जंगे जबल जंगे सिफिया जंगे सिफी जंगे नहलवान, ये तीन जंगे मौला का है लड़ने का। मैं तावील पे जा रहा हूं, जंगे वहां जंगे बद्र, बद्र से लेके हुनैन तक जितने जंगे थी वो तंजील पर थी, कुरान मानोगे के नहीं इस पर जंग थी, अब ये तीन जंगे इस पर है कुरान समझोगे के नहीं, कुरान को मानने की जंग थी या कुरान को समझने की जंग थी। जब भी लोग ना समझे तो अली जंगे सिफीन में मैदान में घोड़े पे बुलंद होकर कहने लगे बकुल शाहबनीउल्ला मुहद्दिस देहलवी के, जिन्होंने अपनी किताब इदालतुल खफा में लिखा, अली जीन पर खड़े होकर के कहने लगे अरे लोगों क्या कुरान पर नजे पे बुलंद देख करके उस कुरान की तरफ जा रहे हो, धोखा ना खाओ, अना कुरान नातिक मैं हूं बोलता हुआ कुरान। इतना बड़ा दावा अली का दुश्मन के सामने, कोई तो बोलता या अली ये क्या कुफर है, आप कैसे कुरान है, कुरान ये नहीं है, कुरान आप नहीं हो सकते, कुरान तो ये है। जो कुरान को अली के मुकाबले में आए वो हसबुना किताब अल्लाह वाले जरूर थे, मगर अली को सामने देखकर किसी से इनकार न बन पड़ा, समझते सबते यही कुरान है, मगर धोखा खाने के लिए कुरान नहीं उठाया, धोखा देने के लिए कुरान उठाया।
जब कुरान को कुरान के मुकाबले में लाया गया तो मौला ने बताया आना कुरान क्या मतलब, वो तंजील है, अल्फाज का मजमुआ है, मैं माना का पैकर हूँ, मैं मुजस्मे माने कुरान हूँ, वो जिस्म है मैं रूह हूँ, वो सतफ है मैं गौहर हूँ, वो फूल है मैं महक हूँ, वो मोती है मैं चमक हूँ, मेरे बगैर कहाँ से कुरान समझ लोगे, क्या कभी महक के बगैर फूल को देखा, कभी चांदनी के बगैर चांद को देखा, क्या दाबानी के बगैर सूरज को देखा, क्या चमक के बगैर मोती को देखा, जो मेरे बगैर कुरान समझ लोगे, नहीं समझ सकते। देखो मैं हूं अली, मैं हूं बोलता हुआ कुरान, ये है उली अमर की पहली फर्ज, जो अल्लाह के अमर को नाफिज करने के लिए साहिब अमर बन के बोल रहे हैं ना कुरान नाती है, किसी में दम तो झुटला है, जो कुरान नाती होगा, जो अल्लाह की जुबान होगा, जिसके लिए रसूल कह रहे इसकी जबान पर हक जारी होता है, हक और हक को कोई झुटला नहीं सकता, जो झुटलाएगा वो जलील हो जाएगा। तो अली को झुटलाने की हिम्मत नहीं हुई, लड़ने आए जरूर मगर अली को झुटला न सके, अली पे झूठ का इल्जाम न दे। तो जिसकी जबान पर हक जारी हो उसकी जबान को कुरान कहते हैं, उसकी जबान को लिसानुल्लाह कहते हैं। तो नबी की जगह पर वो आए जिसकी जबान पर हक जारी होता हो, नबी की जगह पर उसको बैठना जेब नहीं देता, जो ये कहे कि मैं कभी कभी बहक जाता हूँ, मुझ पे कभी कभी शैतान सवार हो जाता है, जिसे अपनी जबान का एतबार ना हो वो रब की जबान की जगह कैसे बैठेगा। ये लिसानुल्लाह की जगह यहां वो नहीं बैठ सकता जिसे अपनी जबान का एतबार ना हो, जिसको ये एहसास खाया जा रहा हो, जिसको ये कहने में कोई झिझक ना हो, लस्तो खैरुल लकुम, मैं तुमसे बेहतर नहीं हूं, जो उन्नति से बेहतर ना हो वो नबी की जगह ना बैठे, या वो बैठे जिसको रसूल देखकर कहे या अली अंता खैरुल बरिया, ऐ अली तमाम इंसानों में सबसे बेहतर तुम हो, जो सबसे बेहतर हो उसे अली कहते हैं, जो सबसे बेहतर हो उसे खलीफतुर रसूल कहते हैं, और जो खुद ये कहते मैं तुमसे बेहतर नहीं उसे ना पूछिए कि क्या कहते हैं। सलावात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, दोनों बातें साथ चल रही ओली लम्र में, कौन है ओली लम्र, लोगों ने तो फैसला कर दिया जिसके हाथ में हुकूमत है वही ओली लम्र है, जिसके हाथ में हुकूमत है वही उली लम्र है, चाहे वो जायज तरीके से हो नाजायज तरीके से हो, चाहे फोकसिंग के जरिए हो, वो तो मशीन का दौर नहीं था और इतने लोग भी नहीं थे कि मशीन पे जाए, या पायलट पेपर भी नहीं था कि कोई बोर्ड लगाए, तो चार आदमी बैठे हुए सब तय हो गया, चार पंचों ने मिलकर पूरे गांव पर फैसला नाफिज कर दिया, वो अपनी बात, मतलब मेरे मौला की जहां तक बात है, ये लिसानुल्लाह, ये ऐनुल्लाह, ये कलिमतुल्लाह, क्या कहने, नबी की जगह ओली लब्र की पहली पर वो बैठ रही है जो जिसके लिए खुद रसूल ने कहा लहमो का लहमी दमो का दमी, ऐ अली तेरा फोन मेरा फोन, तेरा गोश मेरा गोश, अना व अली में शजरत वाहिदा, मैं और अली एक ही शजरे से, यहाँ शजरा एक हो, जहाँ फोन एक हो, जहां गोश्त एक हो, जहां सुनवाई एक हो, जहां बिनाई एक हो, जहां एक देखना हो, एक बोलना हो, एक असल हो, एक नसल हो, और दोनों दो होकर भी एक कहलाए, दोनों दो होकर भी एक कहलाए, उसी को कहते हैं अति वो रसूल की पहली फर्ज जो नबी के बाद नबी की जगह है, वरना किसी और की यहां गुंजाइश थी ना, गुंजाइश है ना, गुंजाइश रह सकती है। तो ये है उली लम, इन्हें बनाया किसने, अल्लाह ने, क्योंकि अल्लाह जिसकी इताअत का हुक्म दे रहा है बंदे उसे नहीं चुन सकते, बंदे खुद ही चुने और खुद ही उनकी इताअत वाजिब वजह नहीं होगा, जिसे अल्लाह चुने उसकी इताअत वाजिब है,
आप कहेंगे माँ बाप की इताअत वाजिब है, तो बाप भी अल्लाह बनाता है, कोई चुनता नहीं कि मेरा बाप कौन हो। बाप की इताअत वाजिब है, मगर इस इताअत को उली अमर से मिला के ये ना कहिए कि वहां चुना अल्लाह ने, तो यहाँ तो इताअत बाप की वाजिब है, तो बाप भी अल्लाह ही बनाता है, बाप दूसरे नहीं बनाते, और दूसरे बाप बनाते तो शजरे मलूना में चला जाता है, दूसरे बाप बनाए तो शजरे खबीसा में चला जाता है। जिसे बाप बनाए अल्लाह ही को हक है बाप बनाने का, किसी और को नहीं है। हम इसलिए हमारे पास हमारा तरीका ही नहीं है, हम बने बनाए हुए को मानते, बनाना हमारा मिजाज ही नहीं है। अब जिसने बनाने का उसूल कायम किया वो बनाता रहे, चाहे जिसे चाहे बना ले, भाई वो काम किसने है। तो ये जो इताअत है वाजिब, ऐसी वाजिब जैसे नमाज पढ़ना वाजिब, रोजा रखना वाजिब, हज करना वाजिब, तो नमाज हमने नहीं बनाई, नमाज मौलवियों ने नहीं बनाई, रोजा रखना वाजिब है, रोजा मौलवियों ने नहीं बनाया, रोजा उम्मतियों ने नहीं बनाया, रोजा पब्लिक ने नहीं बनाया। जितने वाजिबात है सब अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की इताअत वाजिब है, अल्लाह खुद है अपने आप से, रसूल की इताअत वाजिब है तो रसूल को अल्लाह ने बनाया, ऊली अमर की इताअत वाजिब है तो ये ऊली अमर बाद रसूल साहिबान ने अमर वो है जिनकी इताअत वाजिब है। तो मालूम हुआ दो हुए, एक जिसकी इताअत की जाए, दूसरे जिनकी इताअत की जा रही है वो, और एक इताअत करने वाला। इताअत करने वाला वो है कि जिसे इताअत के लिए बनाया गया, और मुता वो है जिसकी इताअत करना है जिसे अल्लाह ने बनाया। एक ऐसा फर्द वाजिब लाइए कि इताअत उसकी वाजिब हो और बनाया आपने हो। कोई इताअत की फर्द वाजिब ऐसी नहीं है जिसे बंदे बनाए और वो फर्द वाजिब हो। हर फर्द वाजिब को बनाने वाला परवरदिगार, तो यहां दूसरे की गुंजाइश नहीं है, किसी दूसरे की गुंजाइश नहीं है। अगर कोई इस जगह किसी दूसरे को ला रहा है तो फिर वही जिम्मेदार है। अल्लाह ने जिसको वाजिब करार दिया वही वाजिब है। अब यही उली लम्र के जिनकी इताअत को अल्लाह ने इस तरह वाजिब किया कि हर हाल में वाजिब किया। और क्या कहना जनाबे अमीर के जहन है, मिंबर पर बैठते मुख्तलिफ मजामीन जहन में घूमते रहते, और जो जहां पर जिसको मौका मिला जहन से सीधे जबान पर आ गए और अब तक पहुंच गए। अली ऐसे वाजिब का नाम है कि हर वाजिब में छूट है, अली ऐसा वाजिब है जिसमें छूट नहीं। इसीलिए कहा गया वैलम तफल, नमाज पहुंची वैलम तफल नहीं, रोजा पहुंचा वैलम तफल नहीं, हज पहुंचा वैलम तफल नहीं, मगर अली की वलायत पहुंचाई तो कहा वैलम तफल फमा बल्लगता, अगर ये वलायत ना पहुंची तो कुछ ना पहुंचा। तो अली की वलायत वाजिब, अली की इमामत वाजिब, अली की खिलाफत वाजिब, अली की इताअत वाजिब, ऐसी वाजिब के नमाज की तरह वाजिब नहीं, ऐसी वाजिब के रोजे की तरह वाजिब नहीं। अगर नमाज की तरह वाजिब है तो नमाज कहीं अदा है कहीं कजा है, रोजा कहीं अदा है कहीं कजा है, हज कहीं है कहीं नहीं है। अली के लिए हरगिज ऐसा नहीं है, ये नमाज नहीं है जो मुसाफिरत की वजह से कम हो जाए, ये नमाज नहीं है जो कहीं किसी आलम में साकित हो जाए, ये रोजा नहीं है जो सफर की वजह से छूट जाए। अली की वलायत रोजा नहीं है जो सफर की वजह से छूट जाए, अली की वलायत नमाज नहीं है कि इसमें कहीं कोई कसर हो जाए, अली की वलायत में कसर नहीं है, अली की वलायत ज़कात नहीं है कि कहीं है कहीं नहीं है, जो कहीं हो कहीं ना हो, कहीं कम हो जाए कहीं बराबर हो जाए, उसे कहते वाजिब, जो कहीं कम ना हो कहीं बढ़े नहीं, हर हाल में जैसी थी वैसे रहे, उसे वाजिब नहीं कहते, उसे औजब कहते हैं। औजब किसे कहते हैं, जो वाजिब पर भी वाजिब हो जाए, वाजिब पर भी वाजिब हो जाए, यानी वाजिब ऐसा कि जिसको न पढ़ो तो कुछ नहीं, और जब ऐसा है कि जिसके बगैर वाजिब सलामत नहीं रहता, वाजिब
अली की विलायत ना नमाज नमाज नहीं, अली की विलायत ना रोजा रोजा नहीं, अली की विलायत ना हज हज नहीं, अली की विलायत ना सकात सकात नहीं, अली की विलायत ना हो तो तिलावत कुरान बेकार है। यानी जिसकी वजह से कोई वाजिब सलामत ना रहे उसे औजबे वाजिबात कहते हैं। इस औजबे वाजिबात को अल्लाह की जबान में विलायत अली कहते हैं। सलावत पर दे मोहम्मद अल्लाह की फितरत है अली की वलायत। तफसीर कुरान सारी किताबें छपी हुई है, सारी किताबें छपी हुई, जब चाहे देखिए, डिजिटल लाइब्रेरी में देखिए या घर में देखिए, मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा रफीला है। अपन ये फितरत अल्लाह लसी फतरन नास अलैहा, अल्लाह की फितरत लोगों की फितरत पर है, नास की फितरत पर है। मौला से पूछा गया, मौला ने फरमाया नहनु नास वल फितरत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलियुन वलीउल्लाह कलिमात सलास फितरतुल्लाह। ये तीन कलमे अल्लाह की फितरत इस पर, ये तीन कलमे इसी को सूरह फतह की 27वीं आयत में अल्लाह ने यह भी कहा وَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَةَ عَلَى رَسُولِهِ, अल्लाह ने रसूल पर सकीना को नाजिल किया, وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ मोमिनीन पर सुकून को नाजिल किया, وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَأَحَقَّ بِهَا, अल्लाह ने मोमिनीन पर कलमे तकवा को लाजिम करार दिया, तकवे के कलमे को, तकवे के कलमे को लाजिम करार दिया, वह अहक का बेहा और वो इसी का मुस्तहक था। आप समझे नहीं आयत क्या है, अल्लाह क्या कह रहा है। अल्लाह कह रहा है मैंने मोमिनीन पर, बड़ी तवज्जो, क्योंकि बहुत मुतवज्जे होने वाली आयत है, मुतवज्जे करने वाली आयत है आपको। वह अल्जम, मैंने रसूल और मोमिनीन के दिलों पे सुकून नाजिल किया, उनकी जमीन मोमिनीन की तरफ है, कि ये मोमिनीन जो है इन पर कलमे तकवा, तकवे का कलमा लाजिम है, तकवे का कलमा लाजिम है। अब मुझसे ना पूछो कलमे तकवा किसे कहते हैं, मैं आपको हवाला दूं, नोट कर लेना, लिख लेना, तो याद रहे मेरे बच्चों को, मेरे छोटे भाइयों के लिए भी, क्या में पहली जिल्द में सफा नंबर 76 पर हाफिजी बुक डिपो देवबन से छपी हुई ताजा किताब, कदीम है मगर नई जदीद छपी है, 676 पेज पर इस हदीस को लिखा गया कि रसूलुल्लाह ने फरमाया अली मेरी उम्मत के औलिया का इमाम है, अली मेरी उम्मत के औलिया का इमाम है, और मुत्तकीन के कलमे का नारा भी है, मुत्तकीन के कलमे का नाम अली है। मुत्तकी जिसे पढ़ते हैं, परहेजगार जिसे पढ़ते हैं, तकवा वाले जिसे पढ़ते हैं, मोमिन 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 वअल्ज़मुहुम मोमिनून, यानी मोमिनीन का तकवा, मोमिनीन का कलमा, मोमिन के कलमे को अली कहते हैं, मोमिन के कलमे को अली कहते हैं। क्योंकि अली क्या है, अल्लाह का वली है, अली कौन है, अल्लाह का वली है, अली है अलीयुल वलीउल्लाह, क्या है कलमाए तकवा है। किसका तकवा, सूरह फतह की 27वीं आयत, क्या मोमिनीन का कलमा है। अल्लाह ने इसे ऐसे नहीं रखा, वह अल्जम, पूरे कुरान में मुझे दिखा दो, नमाज के लिए लाजिम का लफ्ज नहीं है, रोजे के लिए लाजिम का लफ्ज नहीं है, हज के लिए लाजिम का लफ्ज नहीं है, अली को कहा कलमाए तकवा लाजिम, ये लाजिम है, इसके बगैर कुछ नहीं। अल्जम
یعنی واجب ہے لازم ہے چھوڑنا مت. کون نہ چھوڑے کا مومنون, یہ سب کچھ ہو جائے مومنین کے ساتھ یہ کلمہ نہیں چھوڑ سکتا. پر حدیث ملا بزرگان اہل سنت نے اپنی کتابوں میں لکھا علی مومنین کے کلمہ تقویٰ کا نام ہے. رسول اللہ نے کہا اے علی تو مومن کا کلمہ ہے, تو منافق کا کلمہ نہیں ہے. مومن کا کلمہ کون؟ علی. مومن کا کلمہ کون؟ علی. علیون ولیون یا کیا ہے؟ اب آگے مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں, دنیا ہم سے نہ پوچھے کہ یہ علی و ولی اللہ کہاں سے لائے. قرآن پڑھ کے دیکھو, یہ آپ کے لیے نہیں ہے, یہ مومنین کے لیے ہے. چلو آپ پر رہے محمد والے. مومنین کا جب مومنین کا کہا تو دوسروں کو بولنے کی کیا گنجائش ہے؟ مومن کبھی تنقید نہیں کر سکتا علی ولی اللہ پر, منافق کبھی مان نہیں سکتا. اللہ کرے وہ الزما ہوں, اللہ نے اسے لازم کیا ہے. یہ کسی مفتی کا بنایا ہوا نہیں ہے, یہ فتوا نہیں ہے مفتی کا جو کہیں ہو کہیں نہ ہو. یہ اللہ کی آیت ہے کہ مومن کے لیے لازم ہے. اس لیے حدیث ایک اور ملی جسے علماء اسلام نے اپنی کتابوں میں لکھا لی کہ فضیلت میں کہا کہ سید الاعمال حب علی بن ابی طالب, اعمال کے سید و سردار علی کی محبت ہے. جب علی کی محبت عمل کی سردار ہے تو سوچ لیجئے گا عمل کرتے وقت علی سے محبت ہے یا نہیں ہے, کیونکہ علی خیر عمل. اور علی کیا ہے؟ کلمۃ التقویٰ. اس کی سپورٹ میں ایک اور حدیث مشہور ہے نا, یا علی انت امام المتقین, یا علی انت امام المتقین, اے علی آپ متقین کے امام ہو. متقی کون ہوتا ہے؟ جس کے لیے کلمہ علی ولی اللہ ہے. اب کلمہ علی ولی اللہ ہے تو وہ متقی ہے, ورنہ نہیں ہے. نماز و روزے سے متقی صفات بنتا ہے, لیکن متقی وجود کہلاتا ہے جب علی ولی اللہ ہو. وہ صفت ہے, وہ صفت ہے. یہ کیا ہے؟ عنوان ہے. کیا ہے؟ علی ولی اللہ. علی ولی اللہ کو ہٹا دیا جائے تو کیا ہوگا؟ اگر علی ولی اللہ کو ہٹا دیا جائے تو کچھ بھی نہیں رہے گا. کیسے؟ وہی لب کفل, ایک آیت کافی ہے. یا ایو رسول بلغ ما انزل الیک وہی لب کفل فما بلغت رسالتہ. اے میرے حبیب پہنچا دیے, یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا. یعنی آپ نے نماز پہنچائی, حج پہنچائی, زکات پہنچایا, پردہ پہنچایا, عمل میں معروف نہیں یعنی منکر جہاد سب کچھ ہوا, مگر یہ نہیں پہنچا تو کچھ نہیں پہنچا. علی کی ولایت نہ پہنچی تو کچھ نہ پہنچا. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ میرے بھائی اس منبر سے پردے پہ پڑھو, سود پہ پڑھو, حلال رزق پہ پڑھو, نماز پہ پڑھو, روزے پہ پڑھو, حج پہ پڑھو, زکات پہ پڑھو, دین پہ پڑھو, اسلام پہ پڑھو, ایمان پہ پڑھو, قرآن پہ پڑھو, تعلیم پہ پڑھو, تنزیل پہ پڑھو, سب کچھ پڑھو, مگر علی پہ نہ پڑھا تو کچھ بھی نہیں پڑھا. کیونکہ اللہ کہہ رہا میرے نبی یہ نہ پہنچا تو یہ نہ پہنچا تو کچھ نہ پہنچا. آپ کہاں پہنچے ہیں علی کو چھوڑ کر؟ علی ولی اللہ نہ ہو تو بھی کچھ بچتا ہی کیا ہے؟ اسلام کا عنوان ہے علی ولی اللہ, ایمان کا عنوان ہے علی ولی اللہ, دین کی بنیاد ہے علی ولی اللہ, نبیوں کا اقرار ہے علی ولی اللہ. یہ جب نبیوں کا اقرار ہے تو جہاں چھوٹ جائے تو پھر چھوٹ ہی گیا, ایمان چلا گیا. آدم صفی اللہ ہوئے ہیں مگر علی ولی اللہ کے بغیر نہیں.
जब अली वलीउल्लाह कहा तो आदम सफीउल्लाह हुए, जब अली वलीउल्लाह कहा तो नूह नजीउल्लाह हुए, जब अली वलीउल्लाह कहा तो इब्राहिम खलीलुल्लाह हुए, जब अली वलीउल्लाह कहा तो दाऊद खलीफतुल्लाह हुए, जब अली वलीउल्लाह कहा तो श्री सिबतुल्लाह हुए, जब अली वलीउल्लाह कहा तो हिबतुल्लाह हुए, जब अली वलीउल्लाह कहा तो खलीलुल्लाह हुए। तब याद रखिए अल्लाह ने ये भी कहा, अल्लाह ने ये भी कहा, यौम अकमलतु लकुम दीनकुम वअतममतु अलैकुम नेमती वरज़ीतु लकुम अलइस्लाम दीना, आज तुम पे नेमत तमाम, आज दिन मुकम्मल, वरज़ीतु लकुम अलइस्लाम दीना, आज तुम्हारे दीन से राजी हूँ, आज राजी हूँ। जब अली वलीउल्लाह का इकरार कर रहे हो तो पता चला हर नबी कोई खलीलुल्लाह, अली वलीउल्लाह पढ़ा खलीलुल्लाह, कोई खलीलुल्लाह हुआ, कोई अली वलीउल्लाह कह करके हिबतुल्लाह, कोई अली वलीउल्लाह कह करके शीस मारफतुल्लाह, सब कुछ है। अली वलीउल्लाह जिसने जो कहा उसको वो मनसब मिला, बात तय हो गई। रतीर के मैदान में अल्लाह कह रहा कि जो आज राजी, जिसने आज अली वलीउल्लाह कह दिया मैं उसके इस्लाम से राजी, मैं उसके दीन से राजी। पता चला अली की वलायत के इकरार के बाद अल्लाह कहता है हुए आज रजी अल्लाह, अल्लाह राजी नहीं, जिसके अमल में अली नहीं उससे अल्लाह राजी नहीं, जिसके कलमे में। अरे भाई कंप्लीट अल्लाह ने दिया है, अब लोग अनकंप्लीट कर ले, मोनोप्लाई कर ले और उसके बाद सवाल करें ये कहा है वो कहा है। भाई दीन हमने थोड़ा ही बनाया, जब अल्लाह ने मुकम्मल कर दिया तो होगा, जहां मुकम्मल किया वहीं तलाश करो। काम मुकम्मल किया गदीर में किया, अब गदीर जानते ही नहीं तो मिलेगा कहां, बंद कमरे से ना लो, खुले हुए मैदान से लो, बंद कमरे से ना लो, खुले हुए बंद कमरे से ना लो, खुले हुए मैदान से लो। इसलिए जो शायद मुर्दा की बात है, ये कमरों से नहीं चला, ये कमरों में नहीं रहा, कमरों वाले दीन नहीं है, कमरों वाला दीन नहीं है, ये खुले मैदान वाला दीन है, शाय मर्दा वाला दीन है। वो अल्ज़महुम कलिमतुत तक्वा, जब अल्ज़महुम कलिमतुत तक्वा कहा तो मालूम हुआ अली कलमे का नाम है। जब कलमे का नाम है तो कलमा मुकम्मल नहीं है अली के बगैर। अगर किसी शख्स से कहा जाए कि आप सूरह तौहीद पढ़िए, सूरह इखलास पढ़िए, वो कहे कल वल्ला वो है और खामोश हो जाए। आपने कहा क्या सुना दी, अधूरा सुनाया। सूरह इखलास का मतलब कुफ्वान हद तक पढ़ू वरना अधूरा। अब मैंने पढ़ा कल वल्ला वहन अल्लाह और समाज लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफ्वान अहद, सामने वाले ने कहा इतना कहां से लाए। अरे कहां से ला क्या मतलब भाई, वल्लाह के सूरे का मतलब अहद तक पढ़ना है। का सूरे अलहम पढ़ो, उसने अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का रुक गया। हमने कहा कि आप अधूरा पढ़ रहे, हमने आगे पढ़ा, उसने कहा ये क्या मतलब हुआ, क्या पूरा सूरा ही पढ़ दोगे। तो जब कहा जा रहा सूरा पढ़ो तो पूरा सूरा ही पढ़ेंगे, अब इसे बीच में थोड़ा ही छोड़ा जाएगा। अब ऐसे ही कहा जाएगा कलमा पढ़ो, तो अगर कोई हमसे कहेगा कलमा पढ़ो तो हम पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीउल वलीउल्लाह वसीउल रसूलुल्लाह। का ये कहां से लेकर के आए, का पूरा पढ़ रहे हैं आप पढ़िए। तो उन्होंने पढ़ा खाली ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, खामोश हो गए। वो जब उन्होंने हमसे पूछा हमने पूरा पढ़ा, कहा साहब ये आप कहां से लाए, कहा आपने आधा पढ़ा हमने पूरा पढ़ा, आपके आधे को हम सुन रहे हैं हमारे पूरे को आप सुन लेंगे, कहां से लाए क्या मतलब हो। क्या वहां से लाए हैं जहां से रसूलुल्लाह लाए, ये कलमा अली की वलायत का कलमा, ये इस्लाम का किला है, ये दीन का किला है। इस वलायत में कोई शरीक नहीं, अल्लाह की उलूहियत में कोई शरीक नहीं, रसूल की रिसालत में कोई शरीक नहीं। अल्लाह की उलूहियत में किसी को शरीक करो शिर्क है, रसूल की रिसालत में किसी को शरीक करो शिर्क है, अली की वलायत में किसी को शरीक करो शिर्क है। अली के वलायत में किसी को शरीक ना करो, ये मुतलक वली है, ये वलियों का वली है,
ना इसके लिए कोई मजाज ही, ना इसके लिए कोई हकीकत। इसलिए सरकार मुहद्दिस काशानी अपनी तफसीर तफसीर साफी में ला युशरिक पे इबादत रब्बी ही अहदा की तफसीर में लिखते मन अशरका फी विलायत अली फकत कफर, जिसने अली की विलायत में दूसरे को शामिल किया काफिर हो गया। मन अशरका फी खिलाफत अली फकत कफर, जिसने अली की खिलाफत में गैर को शरीक किया वो काफिर हो गया। ना हमें विलायत में शरीक हो शरीक करके मुशरिक बनना है, ना हमें अली की खिलाफत में शरीक करके किसी को मुशरिक बनना है। तो जैसे नबी ने अली को मुतलक करार दिया वैसे ही मानना है, जैसे अपने को मौला कहा वैसे अली को मौला कहा है। जब रसूल की मौलाइयत में कोई शरीक नहीं तो अली की मौलाइयत में भी कोई शरीक नहीं है। भाई ये दोनों एक है ना, एक नूर के दो चलवे, एक नूर के दो चलवे, वो भी मौला ये भी मौला, वो भी वली ये भी वली, वो भी मासूम ये भी मासूम, वो भी ताहा ये भी ताहा, वो भी तथीरा ये भी तथीरा। तो एक ही इल्म है, एक ही नूर है, एक ही घराना है और एक ही जलवे हैं। अल्लाह के नूर के दो हिस्से हैं, एक का नाम मोहम्मद है, एक का नाम अली है, एक का नाम मुस्तकलफ है, एक खलीफा है, एक मौसा है, एक वसी है, बिल्कुल पैरेलल है, मुतवासी है। और ऐसे ऐसे कि जिसको जहां रख दो ऐसा लगता है कि दोनों एक, दोनों एक दूसरे के लिए ही हैं, कि अल्लाह की तौहीद के मुकम्मल गवाह, अल्लाह की तौहीद के मुकम्मल गवाह। इसलिए सरकार दो आलम ने इस गवाही को अपने कांधे पर उठा करके कांधे से खुदा को निकाला, अली को कांधों पर उठाया, अली को कांधों पर उठाया। या रसूलल्लाह कांधों पे काम उठा रहे हैं, आप खुद ही अली के कांधे पे चढ़ जाइए और उतार दीजिए, बुतों को निकाल दीजिए। कहा कि मैं तो ना जाने कितने कांधों पर आया, मैं तो ना जाने कितने कांधों पर आया, मैं तो ना जाने कितनी पुश्तों पर भी आया। मैं गधे पे भी सवारी कर चुका हूँ, मैं घोड़े पे भी सवारी कर चुका हूँ, मैं खच्चर पे भी बैठ चुका हूँ, मगर मेरे कांधे किसी के लिए नहीं है। मैं जिस पर बैठ जाओ उसकी फजीलत नहीं है, जिसको मैं कांधे पे बिठाऊ उसकी फजीलत है, जिसे कांधे पे बिठाऊ उसकी फजीलत है। मैंने कांधे पे बिठाया अली को या हसनैन को, या हसनैन बैठे या अली बैठे। दुनिया कहती कितना अली अली करोगे, कितना अली अली करोगे, कितना अली अली करोगे। नबी ने कांधे पे बिठा के बताया, अब देखो जितना चाहे करो, इससे बलंद तो कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए हम कहते वसीय रसूलुल्लाह रसूल के नीचे, अरे हम कहते वसीय रसूल के नीचे, रसूल ने खुद कांधे पे बिठाया तो हम क्या करें। सलावत पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, तो कोई नबी नबी ना होता। ये जो खदीर में कहा गया वैलम का फल, अगर ये ना पहुंचा तो कुछ ना पहुंचा। जब आखिरी रसूल से, मुसम्मिल से, मुद्दसिर से, ताहा से, यासी से, रौम से, रौ बशीर से, सिराज से, नजीर से, अल्लाह कह रहा है जितने इतने अलकाब कुरान में अपने हबीब को दिए, उसे मनसब से आवाज देकर के कह रहा, ए मेरे लाडले हबीब, आज अली की वलायत का मसला है, लिहाजा मनसब से आवाज दे रहा हूं, अगर ये ना पहुंचा तो कुछ ना पहुंचा। कुदरत की थ्योरी पर बम पड़ रहा हूं, पहुंचा दो, बहुत हो चुका, बहुत तुमने सुन लिया। कि मुनाफिकीन कहते रहे कब तक अली से बात करोगे, क्यों अली से बात करते हो, क्यों दरवाजा बंद करते हो, क्यों उनसे सरगोशी करते हो। कभी दरवाजा बंद किया तो मुसीबत लोगों को हो गई, कभी सरगोशी काम में की तो लोगों को मुसीबत हो गई। ये कब तक ताने झेलते रहोगे, आज फैसला ही कर दो, ऐलान ही कर दो, इसे चलना है चलेगा। किसी का दिल जल रहा था, किसी का बदन जल रहा था, मगर सलमान जैसे जितने मैदान में हदीर की चिलचिलाती धूप में खड़े थे, मगर ऐसा लग रहा था जैसे चांदनी में नहा रहे। हदीर के मैदान की धूप पहले ईमान के लिए चांदनी थी,
اب منافقین کے لیے سزا تھی کیونکہ تمہیں کھڑا ہونا پڑا, کھڑے رہو. یہ علی کی ولایت کا اعلان ہے, یہ راز الہی ہے, یہ سر اللہ ہے, یہ اللہ کا راز ہے, یہ اللہ کے وجود کی دلیل ہے. اللہ وجود مطلق ہے, دیکھا کسی نے نہیں, بس اللہ اللہ. جہاں اللہ کے لیے ہے کہا جائے, ہے کہتے ہونے کو, ایگزسٹ, اللہ ایگزسٹ, اللہ ہے, تو ہے کہتے ہی ہمارے سامنے علی کی ولایت کہتی ہے میں ہوں گواہ. وجود پروردگار کے دلیل کا نام ہے ولایت علی. حلت و حرمت کی کسوٹی کا نام ہے ولایت علی. حلالی و حرامی کے درمیان میں ولد الحرام ہونے کی کسوٹی کا نام ہے علی. منافقین اور مومنین کے ڈی این اے ٹیسٹ کے روحانی ڈی این اے ٹیسٹ کا نام ہے علی. اگر درمیان میں علی نہ ہوتے تو کیا ہو جاتا؟ علی نہ ہوتے تو کچھ نہیں ہوتا. رسول اشیرہ ہوتا, رسول اللہ اعلان کرتے, کوئی ناصر نہ ملتا. علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ شبی عبی طالب میں رسول قید ہوتے, کوئی مددگار نہ ملتا. علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ بدر کے میدان میں فوج کھڑی رہتی, علی کا جیسا کوئی علمدار ملتا نہ. جب ہوتی علی نہ ہوتے تو حد تو ہوتا, شکست تو لوگ دکھتے مگر کسی کو لاپتہ نہ دکھتے. کیونکہ علی نہ ہوتے تو جب سب لاپتہ تھے تو علی کے سوا لاپتہ ہو کون سکتا تھا؟ علی اس ذات گرامی کا نام کہ جس کے نام نامی اس میں گرامی کی بڑی برکت ہے. ہم علی کے عین کے راز کو نہیں پا سکتے. جو علی کا نام ہے, عین نام, یہ بظاہر یہ نام ہے مگر اس کے بھی اثرار ہے, حروف کے بھی اثرار ہے, عین کا بھی راز ہے, لام کا بھی راز ہے, یہ کا بھی راز ہے. وہ علی جو اللہ کا مظہر ذات بھی ہے, مظہر صفت بھی ہے, وہ اللہ کہ جس کے لیے لفظ اللہ کہنا ہماری ضرورت ہے, اللہ کی ضرورت نہیں ہے. یہ جملہ سمجھے آپ. اللہ کو جب وہ اللہ کہتے ہیں, جیسے مائک کو مائک کہتے ہیں تو ضروری ہے بولنا, ممبر کو ممبر کہتے ہیں تو ممبر اگر نام نہ دیں گے تو اس کی پہچان نہیں ہوگی, مائک کو اگر نام نہیں دیں گے تو اس کی پہچان نہیں ہوگی, ہے نا؟ اسی طریقے سے نام بنتا ہے پہچان, مگر اللہ کو اپنے پہچان کے لیے نام کی ضرورت نہیں ہے. ہماری ناقص عقلیں بے جان کو بھی نام سے جانتی ہے, تو اللہ نے ہماری عقلوں کی مجبوری کے پیش نظر کہا میں ہوں اللہ. ورنہ جب امام دعا فرماتے, سید سجاد دعا فرماتے, امیر المومنین کے فرزند سید سجاد دعا کرتے تو کیا کہتے؟ اللہم اللہم اے میرے اللہ. اس کے بعد فرماتے یا ہوا, یا من لا ہوا, یا من اللہ ہوا, اے وہ کہ جو وہ نہیں. ہماری تعلیم کے لیے کہتے ہیں اللہ, لیکن جب خود کہتے ہیں تو یا من, اے وہ, پھر آہستہ سے کہتے اے وہ کہ جو وہ بھی نہیں ہے, یعنی اس کی طرف اشارہ بھی نہیں ہو سکتا. تو اللہ وہ ہے جس کے لیے نہ من ہے, نہ ہوا ہے, نہ اللہ ہے. ایک اللہ نام ہے جس کے لیے اللہ کہہ رہے, ایک اللہ ذات ہے. یعنی جس ذات کو اللہ کہہ رہے وہ ذات اپنی ذات میں اتنی محترم, اتنی مقدس ہے کہ اپنے لیے لفظ اللہ کی بھی محتاج نہیں ہے. اسی کا مظہر میرا مولا ہے. ولی وہ بھی ولی, یہ بھی, یہ بھی مظہر کا. کس کا مظہر ہے؟ سمد کا. سمد کسے کہتے ہیں؟ جو بے نیاز ہو. کس سے بے نیاز؟ تمہارے سجدے سے بے نیاز, تمہارے ذکر سے بے نیاز, تمہاری بندگی سے بے نیاز. اور یہ کہ تم اسے پہچانو نہ پہچانو, اسے پرواہ نہیں, وہ بے نیاز. تم اسے اللہ پکارو نہ پکارو, وہ بے نیاز. وہ اپنے اللہ کہلانے میں تمہارا محتاج نہیں. تو یہ نہیں ہے کہ تمہارے پکارنے سے وہ اللہ ہے. وہ کہتا میں جو ہوں ہوں, میں سما دوں, مجھے کوئی نام دو نہ دو, میں جو ہوں وہ رہوں گا. اس مظہر سمدیت میں, اللہ کی صفت سمدیت کے ظہور میں, اس کے مینیفیسٹیشن میں ہمیں دیکھنا ہوگا. جب علی ہر صفت کا مظہر ہے تو اللہ کی ایک صفت بے نیازی, اللہ کی ایک صفت بے پرواہی, اللہ کی ایک صفت استغنا, اللہ کی ایک صفت وہ کسی کا محتاج نہیں.
اپنی اس صفت سمدیت کا مظہر بن کر میرا مولا مجمع خاص میں، عام میں نہیں خاص میں، جہاں سلمان تھے سلمان جیسے تھے، جہاں بوزر تھے بوزر مزاج تھے، جہاں کمبر تھے کمبر طبیعت تھے، جہاں مقدار تھے مقدار ذہن والے تھے، ان کے درمیان میں میرے مولا نے کہا میں وہ ہوں، انا اول المؤمنین، میں وہ ہوں، انا سدرۃ الارض، انا بنی السماء، انا مروی الاشجار، انا مجری الانہار. علی اپنے فضائل کرتے رہے، میں وہ ہوں کہ آسمانوں کی تخلیق نہیں تھی میں تھا، آدم کی تخلیق نہیں تھی میں تھا، آدم میں دم نہیں تھا میں تھا، فرشتوں نے جسے سجدہ کی آدم کو، اس آدم کی جبین میں، اس آدم کی جبین میں میرا مصطفیٰ کا زہرا کا بندتن کا نور تھا. میں وہ ہوں کہ جس نے انبیاء کی چھپ کی مدد کی، میں وہ ہوں جس نے رسول کی ظاہر میں مدد کی. میں داب کا دلواز ہوں، میں لسان اللہ ہوں، میں ید اللہ ہوں، میں قلب اللہ ہوں، میں جنب اللہ ہوں، میں حبیب اللہ ہوں، میں خلیفۃ رسول اللہ ہوں. علی بولتے گئے بولتے گئے، یہاں تک کہ ایک شخص اٹھا چاہنے والا جھوم کر کے مست ولایت ہو کر کے علی کے جوش انلا میں کھڑے کر کے کہتا یا علی انتا انتا، اے علی آپ تو آپ ہیں، آپ کے کیا کہنا. ایک مرتبہ میرا مولا عالم لاہور کی سرمستی میں آ کر کے کہتا ہے کیا کہہ رہا ہے، کون علی کون علی، انا الذی لا یکو فی اسم ولا شر، میں وہ ہوں کہ جس کو علی پکارنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ڈوبتے جائیے کیا کہنے، علی کی محبت، علی کے ولایت، علی کی فضائل ایسا سمندر ہے جس میں ڈوبنے میں زندگی ہے. یہاں جو ڈوبتا ہے وہ جگہ پاتا ہے، جینے کے مزہ پاتا ہے. جو اس سمندر میں ڈوبا نہیں وہ سسک سسک کے مرتا. اس لیے علی کے عشق دریا میں، علی کے عشق محبت کے تیراک بن کر، علی کے عشق دریا کے شناور بن کر جب یا علی کہہ کے علی کی محبت میں علی کو پانا چاہتے ہیں تو علی اپنے عرفان کے موتی دیتے ہیں مگر سر کو دیکھ کر. کیونکہ بہت سے ایسے راز ہیں جو راز کھولے جائیں تو یا تو لوگ شریعت کو چھوڑ دیں یا تو پھر ولایت کا انکار کریں. کیونکہ کہیں میرے مولا نے کہا میں نماز ہوں، کئی کہا میں روزہ ہوں، میں حج ہوں، میں زکات ہوں، تو یہ جب لوگ سنیں گے تو شریعت چھوڑ دیں گے. علی سب کچھ ہے تو اب یہ کیا پڑھنا. لیکن جس نے کہا میں صلاۃ ہوں اسی نے نماز پڑھی ہے، جس نے کہا میں روزہ ہوں اسی نے روزہ رکھا ہے، جس نے کہا میں قبلہ ہوں اسی نے قبلے کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھی ہے. بتانا یہ مقصود تھا، یہ تنزیل پہ بھی میں چل رہا ہوں، اس کی تعویل بھی میں ہوں. تنزیل بھی علی سے شروع ہوئی، تعویل بھی علی سے شروع ہوئی. تنزیل کا بھی اختتام علی پر ہے، تعویل کا بھی اختتام علی پر ہے. وہ آخری جو آنے والا آئے گا وہ ولایت علی کا آخری کنارہ ہوگا. اس سمندر کے دو کنارے ہیں، ایک طرف علی ہے ایک طرف
तरफ वो है जो पर्दे गैब में है। जब ये दो मोहम्मद मिलते हैं तो फिर इसके मेराज का नमूना नजर आ जाता है। बहरहाल मेरे मौला की वो वलायत है जिसकी विलायत की ठंडक जिसने पाली उसकी निगाहों से दुनिया गिर गई। जिसने अली की वलायत की ठंडक अपने सीने में पाई उसकी निगाहों से दुनिया गिर गई। और जिसने वलायत के सिर्फ लफ्जों को छू लिया उसने वलायत के नाम पे दुनिया बना ली। अली की वलायत में लड्डू पेड़े दुनिया तो नहीं मिलती, ना कभी मिली थी ना मिले थी। दुनिया भी मिले दिन भी मिले नामुमकिन। क्यों? क्या जिल्लत व जिल्लत तीन चीजें अली के मानने वालों के साथ। अली के मानने वाले सताए जाएंगे, अली के मानने वाले कुर्बान होंगे, अली के मानने वाले मरेंगे, अली के मानने वाले कटेंगे, अली के मानने वाले जलेंगे और मौत उनके लिए जिंदगी का ऐलान करते हुए आएगी। मौत ये कहती हुई आएगी क्या आने वाले मैं तेरे लिए आ रही हूँ मगर तेरे लिए खौफनाक बन के नहीं आ रही हूँ, इशारा देने आ रही हूँ कि तेरे लिए कोई खंजर लिए खड़ा है, कोई बंदूक की गोली लिए खड़ा है, तो उन्हें मैं देख मैं जिससे मिलाने के लिए आ रही हूँ मेरे पीछे आ रहे हैं। मैं तुझे जिससे मिलाऊंगी उसका नाम अली है, क्योंकि मौला ने कहा ना या हारी से अमरदान मन लभ्यम मुतरयाला, ऐ हारी जो मरता है वो मुझे देखता है। जो मरता है मोमिन मरे वो भी अली को देखता है, मुनाफिक मरे वो भी अली को देखता है, दोनों देखते हैं। दोनों देखते हैं तो फिर दोनों जन्नत में चले गए। जो अली को देखेगा नहीं, देखा तो मुनाफिकीन ने भी उसी फील्ड में जबल में नैरवान में देखा, तो माविया ने भी अली को देखने से क्या होता, ईमान की नजर से देखा। तो जो अली को ईमान की नजर से देखे वो जन्नत में जाएगा और जो दुश्मनी की नजर से देखे वो जहन्नम में। अली आएंगे सबके नजदीक सबके सिराने, तो कोई हैरत की बात नहीं। अली आज आपने बिल्कुल आते जब मौला ने खुद कहा मौला के कसीदे में मौजूद है, हारी से हमदान मतलब यह हूँ या हारी से हमदान मतलब यह हूँ मौजूद है, हारी जो मरता है मुझे देखता है, वो मरता ही नहीं जब तक मुझे ना देख ले। इसलिए तो अल्लाह ने कहा वाकुद रब्बक हत्ता यातिया कल यकीन, इतना इबादत कर इतना इबादत कर कि तुझे मौत आ जाए यकीन आ जाए। तो अल मौत और यकीन, मौत यकीन का नाम है शक का नाम नहीं है, मौत हक का नाम है बातिल का नाम नहीं है। अल हक व अली, हक अली के साथ है, अली हक के साथ है, जहां मौत है वहां अली है। आएंगे अली, जिसने पहचान लिया पहचान लिया, जिसने नहीं पहचाना नहीं पहचाना, जिसने नहीं पहचाना वहीं से उसकी सजा शुरू है, जिसने पहचाना और वहीं से उसकी सजा शुरू है। रहमत उसके साथ है जो अली को माने, अजाब उसके साथ है जो अली का दुश्मन बन जाए। तो आप यहां से रहमत दे, तो जब अली आते किसके सराहने, जो मोमिन अली को मानता है उसके सराहने आके बशारत देते, अहादीस में मिलता है उसकी शिद्दत प्यास में मौलाए कायनात अपने हाथ से जाम भी देते, क्योंकि समंदरों की प्यास में वो रहता है, प्यास समंदर जैसी प्यास में। जब दस्ते अली से चम कतरे उसके हलक में आएंगे तो उसे याद ही नहीं रहेगा कि कभी प्यासा था। ये रवायात में मौजूद है, मासूमीन सबके सबाते लहुमुल बुशरा फिल हयाती दुनिया वल आखिरा, कुरान की आयत है, उन्हें दुनिया और आखिरत में बशारत दी जाती। तो दुनिया में बशारत से मुराद ये है कि अमीरुल मोमिनीन सिराने आते हैं, तामे नजामे आते हैं, और यूं भी हम यहाँ मौजूद हैं मगर मौला की नजर में। इसको समझना तो बड़ी बड़ी बात नहीं। आज तो टेक्नोलॉजी इतना तरक्की कर ली है जिसका नाम लिख करके आप जो क्लिक कर दीजिए आपका उससे कनेक्शन हो जाता है। अगर दिल में अली का इश्क है जबान पे नाम आ जाए और ही क्लिक हो जाएगा। अल्लाह ने हमारा डाटा ही ऐसा बनाया है, हमारा सांचा ही ऐसा बनाया है कि शायद नजब से खुद को जोड़ के तो देखो कभी तन्हाई महसूस नहीं होगी। अपने को अली से जोड़ के देखो कभी तन्हा नहीं रहोगे, अली से कट के रहो फिर कभी भी तुम भीड़ में हुजूम में रहकर भी सुकून में नहीं रहोगे। तो हर मरने वाले के सिराने आते हैं, बल्कि ये है कि प्यास है तो पिलाते हैं। अब जब आम मोमिनीन से ये ताल्लुक है तो जब करबला के मैदान में अली अकबर आकर के कह रहे हैं
कि बाबा बहुत प्यासा हूं, काश थोड़ा पानी मिल जाता तो ये लश्कर कुफार को बताता। मौला का ये फरमाना, मेरे लाल तुम्हें दादी अम्मा सैराब करेंगी, तुम्हें दादा अली सैराब करेंगे, तुम्हें मेरे नाना रसूलुल्लाह सैराब करेंगे। तो बात समझ में आ गई ना कि जब हमारे सिरहाने आते हैं तो वहां तो अली अकबर है, वो हुसैन की जान है, वो हुसैन का दिल है, वो हुसैन का नफ्स है, वो हुसैन का राहत है, वो हुसैन के लिए खुद हुसैन है, वो बाप के आईने में बेटा है और बाप के निगाहों के सामने नाना का वजूद है। क्योंकि जब कभी अली अकबर जब सोते थे तो हुसैन तन्हाइयों में रात में जाकर के अली अकबर के बाजू सो जाते थे और शहजादी पूछती कि मेरे वाली आपका बेटा कहीं जाता नहीं है, फिर ये रातों को उठ के अली अकबर के बाजू जाके बैठ जाते। क्या मुझे अम्मा जहरा के पहलू में जब मैं सोता था तो मेरी आदत थी आधी आधी रात को उठ के नाना के पास चला जाता था, नाना की खुशबू महसूस होती थी। तो जब कभी मुझे रात में नाना की याद आती है तो मैं अपने बेटे अली अकबर के सिरहाने जाता हूँ, वही खुशबू वही चेहरा, मैं ऐसा लगता है जैसे मेरे सामने मेरे नाना मुस्तफा है। अजीजो, अली अकबर किस जात का नाम है? उस जाते गिरामी का नाम है जिसके लिए मौला हुसैन ने फरमाया, सूरत में और सीरत में मेरे नाना की तस्वीर अली अकबर, जिसके चेहरे को देखकर मलाइका नूर की खैरात मांगे, वो हसीन अली अकबर, जिसके नक्शे कदम को मलाइका चूमते नजर आए, ऐसा मोहतरम अली अकबर, जो खुफियों के लिए जिंदगी है उसका नाम अली अकबर, जो शहजादी ज़ैनब के लिए उम्मीद पर्दा है उसका नाम अली अकबर, जो उम्मे कुलसूम की तस्कीन है उसका नाम अली अकबर, जो सकीना के लिए धारस है उसका नाम अली अकबर है, जो फातिमा सुग़रा का अरमान है उसका नाम अली अकबर है, वो अली अकबर जो तस्वीर रिसालत है, जबान करके कहते हैं बाबा मुझे इजाजत दे दीजिए, बाबा मुझे इजाजत दे दीजिए, हुसैन इजाजत देते हैं और फिर उसके बाद फूफी की खिदमत में आन करके कहते हैं शहजादी ज़ैनब से, फूफी अम्मा मुझे इजाजत दीजिए। अल्लामा राशिदुल खैरी सैयदा का लाल में खदीर नुस्खे में मैंने पढ़ा, आलम इस्लाम के राइटर है मगर वो लिखते हैं कि अली अकबर आए अपनी फूफियों के पास पर शहजादी से कहा फूफी अम्मा मरने को इजाजत दीजिए। ये सुनना था जो शहजादे अली अकबर की जबान से जैसे सुना, शहजादी ज़ैनब ने कहा मेरे लाल कितनी आसानी से तुमने कह दिया कि फूफी अम्मा मरने की इजाजत दे दो, कितनी आसानी से कह दिया। ये कह के कहा कुछ देर ठहर जाओ, टायर गए तो संदूक खोला, संदूक में से कपड़ा निकला, उस बोसीदा कपड़े में कोई सफेद सफेद चीज थी, कहा देखो अली अकबर ये क्या है, कहा फूफी अम्मा मैं देख रहा हूँ पहचान नहीं पा रहा हूँ ये क्या है। राशिदुल खैरी कहते हैं कि शाही शहजादी ने उस जैसे ही कपड़े को खोला अली अकबर ने कहा मेरे लाल इसमें तेरे दो दांत है, ये वो दांत है जो टूट गए थे, मैंने कहीं ये दांत दूसरों के पैरों में ना जाए, कहीं तेरे दांत दूसरों के पैरों में ना जाए, मैंने इसे उठा करके हिफाजत में रखा, मैं तेरे दांत टूटे हुए दांत को जमीन पर गिरता हुआ मैं देखी, तेरे बदन को तीरों में कैसे देख रहा हूँ अकबर। ये सुनना था कि शहजादी अली अकबर ने कदम बोस की कहा फूफी अम्मा दादी जहरा के पास सुरखरू होना है, आपके भाई का कुर्बान होना है, मकसद हुसैन का कुर्बान होना है। शहजादी ज़ैनब ने बहुत गिरिया उजारी के बीच में इजाजत दी और उसके बाद शहजादी अली अकबर चले और चलते हुए पीढ़ियों से रुखसत हुए। बड़ा ही कायनात का सबसे दिल खराश मंजर था, सबके दिलों की धड़कन अली अकबर थे और सबको ये लग रहा था कि उनके दिल की धड़कन रुक गई। और फिर शहजादी सकीना दामन को थामे हुए भैया कहाँ जा रहे हो, ताकि बहन तुमसे क्या छुपाना, सब जानते मक्तल जा रहा हूँ, ताकि भैया और ना मोहम्मद गए वापस ना आए, कितने गए वापस ना आए,
भैया मुझे छोड़ के चले जाओगे, ताकि बहन तुम क्या चाहती हो, बाबा की तरफ कोई जालिम तीर मारता रहे मैं बैठ के देखता रहूं, कोई बाबा पे मेरे नेजा चलाए मैं देखता रहूं, कोई मेरे बाबा पे तलवार चलाए मैं देखता रहूं। सकीना तुम मेरी बहन हो, हिम्मत वाले हिम्मत रखो, हौसला रखो। ये कहा बहन के सर पे हाथ रखा, बहन को दुआएं दी, रुखसत हुए, घोड़े पर सवार हुए, हुसैन ने रुखसत किया, लेकिन रुखसत करने के बावजूद चंद कदम जोर से तेजी से चलते रहे। फिर अली अकबर ने बात खींची, घोड़ा रुका, का क्या बात है बाबा, आपने तो रुखसत कर दिया लेकिन साथ साथ आ रहे, का नहीं मेरे लाल तू साहिब औलाद नहीं हो ना, भाई साहिब औलाद होता तो तुझे पता चलता जवान को मक्तल में देखना आसान नहीं, कम से कम इतने फासले से तेरी सूरत देख लो कि कम से कम देखता रहूं को मेरी निगाहों से रुखसत हो जाए। अली अकबर घोड़े से उतरे, बाबा को सीने से लगाया और बहुत रोए, और उसके बाद घोड़े पर सवार हुए, या अली कह के घोड़े पर बैठे, और उसके बाद अल्लाह हुआ कुदर कह के आगे बढ़े, और जैसे मैदान में आए रजस पड़ा और शानदार रजस पड़ा, और फरमाया यपना ताइया के मानने वाले, तुम चाहते हो कि किसी नापाक और खबीस के हाथ पर हम लोग बैत करेंगे, जो कौसर हुए जिनके शान में, तथीर हो जिनके शान में। ये कहकर मौला अली अकबर ने हमला किया। तारीख कहती है, तारीख क्या है, यजीदी रिपोर्टर है, यजीदी रिपोर्टर कहते हम लोगों ने देखा जवान था, चांद जैसा चेहरा था, सूखे सूखे होंठ थे, आंखें घसी हुई थी, मगर पेशानी और चेहरे से और आपके चेहरे से नूर साते होता था, रजस पड़ के इतनी तेजी से घोड़ा दौड़ा के आगे आए, ऐसा लगा जैसे तीर नहीं नजर आ रहा, नेजा नजर नहीं आ रहा। बड़े बड़े के जवानों पे हमला किया, बड़े बड़े के बहादुरों पे हमला किया, बड़े बड़े बहादुरों को मारा, बड़े बड़े जवानों को मारा, घोड़े की गर्दन पर तलवार मारी तो घोड़े की गर्दन कट गई, घोड़े की कमर पर मारा तो घोड़ा कमर कटा हुआ मिला, कई सवार जमीन से नीचे हुए, नेजों से नेजे टकराए, तलवार से तलवार टकराई, और न जाने कहीं हाथ है कहीं पैर है। बड़ी शिद्दत की जंग की अली अकबर ने, और ये बोल बोल के हमला किया, इतना बड़ा लश्कर आया है मेरे भूखे बाबा को मारने के लिए, इतना बड़ा लश्कर आया है मेरे प्यासे बाबा पे हमला करने के लिए, क्या तुम नहीं जानते मैं अली इब्ने अबी तालिब का पोता हूँ, मैं सैफुल्लाह का पोता हूँ, मैं उसका पोता हूँ जिसने खैबर में पत्थर में अलम डाला था, अपने बाबा का नाम दादा का नाम लेते जाते, दुश्मनों को मारते जाते, लड़ते 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 अली अकबर भी जख्मी हुए, जख्मों की शिद्दत से प्यास बढ़ी, अब प्यास बढ़ी तो जबान को चबाने लगे, जबान को चबाते जाते थे, दुश्मन से लड़ते जाते थे, यहाँ तक कि दुश्मन पीछे हटा, अली अकबर इधर लड़ते रहे, उधर शहजादी लैला, उधर शहजादी लैला खेमे में दुआ करने लगी, ए मेरे मालिक, ए याकूब को यूसुफ से मिलाने वाले, ए इस्माइल को हाजरा से मिलाने वाले, एक बार मेरे अली अकबर को मुझसे मिला दे। अली अकबर अचानक आए, बाबा हुसैन ने पूछा, आका हुसैन ने पूछा, ये मेरे बेटे कैसे आना हुआ, का बाबा लड़ते 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 दुश्मन की आखिरी सत्तर चला गया, अचानक दिल में माँ का ऐसा ख्याल सताने लगा कि एक बार मैं अपनी माँ को देख लूं, खेमे में आए, का लैला तुम्हारी दुआ कबूल हो गई, जख्मी बेटा आया है देख लो। अब जो अली अकबर को देखा, कहीं लिबास नहीं दिख रहा था, खून ही खून नजर आ रहा था, अब जो देखा शहजादी पे बशीर तारी हुई, मौला हुसैन ने संभाला, कहा मौला हुसैन ने संभाला, अली अकबर क्या चाहते, कहा बाबा थोड़ा सा पानी मिल जाता, बाबा थोड़ा सा पानी मिल जाता, कोई जवान बेटा अपने बाप से पानी मांगे, इससे बड़ी क्या मुसीबत है। हुसैन ने सर झुका दिया, साफी कौशल ने सर झुका दिया, ए मेरे लाल अब तुझे पानी नहीं मिलेगा, तुझे दादा अली सैराब करेंगे, तुझे दादी जहरा सैराब करेंगी, तुझे अम्मा जहरा सैराब करेंगी। ये सुनकर अली अकबर खामोश हो गए। मौला हुसैन ने अपनी जबान निकाली, अली अकबर करीब आओ, अपनी जबान अली अकबर के मुंह में दी, अली अकबर घबरा के पीछे हटे, कहा मेरे लाल क्या हो गया, कहा बाबा कयामत है, अरे मेरी जबान से ज्यादा तो आपकी जबान सूखी हुई है, ओ मेरे बाबा अब आपसे पानी तलब नहीं करूंगा। ये कहकर मक्तल में गए और उसके बाद लड़ने लगे, फिर लैला ने हाथों पर दुआ बुलंद किया, मौला हुसैन कहा लैला मेरा बच्चा बहुत प्यासा,
حسین پہنچے مگر راستہ سجائی نہ دیتا تھا لشکر نذیر کے سرداریوں سے کہا ارے ظالم بتاؤ اینا اینا ولدی میرا بیٹا علی دار میرا بیٹا علی دار چلتے چلتے اس عالم میں عزیزان گرامی علی اکبر تک پہنچے اپنے آپ کو باپ نے بیٹے کا گرا دیا خون میں نہایا ہوا بیٹا نیزے کی علی کلیجے میں ایک مرتبہ سر اقدس کو زانوں پہ رکھنا اے میرے لال ولدی آنکھیں کھولو بیٹا اب جو آنکھیں کھولی دیکھا بابا سرانے کہ ایک بار اپنے بابا سے بات کرو علی اکبر بات کرنا چاہتے مگر سانس کلیجے میں اٹک جاتی تھی انگلیوں کو حرکت ہوئی آنکھوں سے اشارہ کیا انگلیوں کو حرکت ہوئی ایک ہاتھ کلیجے پر رکھا ہوا حسین ہاتھ ہٹاتے علی اکبر ہٹانے نہیں دیتے حسین ہاتھ ہٹاتے علی اکبر ہٹانے نہیں دیتے میرے لال تم میرا ہاتھ روک رہے ہو علی اکبر آنکھوں میں کہہ رہے بابا اگر ہاتھ ہٹا لیا تو آپ کی آنکھیں کیسے دیکھیں گی اس لیے کہ تین عرصے کا پھل میرے کلیجے میں پیوست ہے حسین نے زانوں طے کیا نیزے کو کلیجے سے نکالا خون کا فوارا نکلا علی اکبر اڑوے رگڑنے لگے ایک مرتبہ حسین نے کہا اے اما ارے آگے دیکھیے نا آپ کا پوتا میدان کربلا میں تنہائی سلام الذين زلقوا أيام قلبي أنت